इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन एटम नंबर 8, दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट सेल रे दुटा इलेक्ट्रॉन अच्छे, सेकंड सेल रे 6टा इलेक्ट्रॉन अच्छे, तो मिस सब होची 8। तेरा होता है नोबेल गैस कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ला। देन सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। देन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए रहा ns2 np4 देखो 3s2 3p4। देन 4s2 4p4 देन 5s2 5p4 देन 6s2 6p4। एबे देखिबा एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी गोट गोट देखिबा। तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन टू पोलोनियम बढ़ी बढ़ी जाउची। देन एटॉमिक मास देखिबा, एटॉमिक मास बढ़िले कौन हबो, जेतु एटॉमिक नंबर बढ़ुची इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़िबो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़िले एटॉमिक मास मते ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी जीवो। तो एटॉमिक मास 16 टू 32, 30 टू 70, 8.96, देन 127, देन 210। देन कोवलेंट रेडियस, जेहेतु टॉप टू बॉटम गले दैट मींस ऑक्सीजन टू पोलोनियम गले कौन हम एटॉमिक साइज बढ़ुची, एटॉमिक साइज बढ़िले रेडियस बढ़िबो, कोवलेंट रेडियस मध्ये बढ़िबो 66 टू 104, 104 टू 117, 137, देन 146, ये ग्रेजुअल इंक्रीज ही जाउची। आयनिक रेडियस, ये तो कोवलेंट रेडियस बढ़ुची, आयनिक रेडियस मध्ये ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी चलती। दीज आर द एप्रोक्सीमेट वैल्यूज। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो टॉप टू बॉटम गले आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन हम ग्रेजुअली कमी कमी जाओ, कहीं एटॉमिक साइज बढ़ी बढ़ी जाऊँगी। एटॉमिक साइज बढ़े कौन हम, एटॉमिक साइज बढ़े तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आउ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भितर कौन हम एजो अट्रैक्शन डा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डा कमी जीवो, जेतु फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी गले तो ए इलेक्ट्रॉन को इजीली नॉकआउट करिबाटा सुविधा है जीवो। तो तेणु कर कम एनर्जी दरकार, जेतु कम एनर्जी दरकार पड़ुछे एटम साइज बढ़ी गले तेणु कर यार आयनेशन एंथाल्पी बा आयनेशन एनर्जी कमी कमी आसे। तो देखो यदि फर्स्ट आयनाइजेशन एन्थैल्पी देखिबा, फर्स्ट आयनाइजेशन देखो 1314 टू 1000 हैला, देन 941 869 देन 813। यदि आमे सेकंड आयनाइजेशन एन्थैल्पी देखिबा, देखो फर्स्ट और सेकंड भीतर लार्जर डिफरेंट पड़ गया आसी, ये 1300 ये 3388, केते डिफरेंस पड़े जाते देखो। तो सेकंड आयनाइजेशन एन्थैल्पी रे बहुत डिफरेंस आसे देखो, पाखापाखी डबल हो जाऊछि। एर कारण कौन, जदि आमे जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो हम कहलि सेते बड़े NH2 NP4, तो हम यदि गोटे इलेक्ट्रॉन काटि देबो, गोटे इलेक्ट्रॉन काटिले कौन हो NH2 NP3 हो जीवो, तमाने ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पड़े आसला, तमाने ये कौन हला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पड़े आसला। जे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पड़े आसला तो आ गोटे इलेक्ट्रॉन काढ़ हेले आम गोटे अधिक एनर्जी देवा पड़ो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रो जो इलेक्ट्रॉन बाहर करवाक आम टे अधिक एनर्जी देवा पड़ो। जनरल जी दवा पड़ था फास्ट एनर्जी एन्थैल्पी जी यूज है तार डबल पाखापाखि यूज हम, कहीं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन टू इलेक्ट्रॉन बाहर करा कष्ट हम। तेणु करी एमानंकर सेकंड आयनाइजेशन एन्थैल्पी भी लार्जर डिफरेंट आसी।
कारण होचे एटा मन रखियो एटा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी टॉप टू बॉटम गले माने ऑक्सीजन टू पोलोनियम गले कोन हबो साइज बॉडी बॉडी जाउचे एटॉमिक साइज बॉडी बॉडी गले कोन हबो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज हे ही जीवो देयर 3.5 देन 2.44 देन 2.48 2.01 देन 1.76 इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कौन है ना ग्रेजुअली डिक्रीज ही आसला देखिबा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी तो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कौन थिला जाम पे एनएच टू एनपी फोर थिला ता माने केते हला 6 इलेक्ट्रॉन हला तो ऑक्टेट फुल ग्रे पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन दरकार 2 इलेक्ट्रॉन पाई गले ये स्टेबिलिटी पाई जीवो तेनु करे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी बाय इलेक्ट्रॉन रो रिक्वायरमेंट या पे अधिक रहबो तो इट इज हाईली एफिशिएंट टू एक्वायर एन इलेक्ट्रॉन तेन करियर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी अधिक रहबो ये इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी देखो तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑक्सीजन रो देखो जति गछि सल्फर रो फर्स्ट बढुछि देन ग्रेजुअली कमी कमी आसछि तो फर्स्ट बढुछि देन कमी कमी आसछि रीजन कोन एटा तो रीजन देखिबा तो ऑक्सीजन टा होउछि गोटे छोटो एटम टा तो तार इलेक्ट्रॉन तो याकु भी जदि इलेक्ट्रॉन देले यार स्टेबिलिटी बढ़िबो बट जेहेतु यार स्मॉल एटॉमिक साइज तो इलेक्ट्रॉन आनी कोड रखियो ये तो फर्स्ट सेल दुटा अच्छे सेकेंड सेल छोटा इलेक्ट्रॉन अच्छी तो जेहेतु छोट आटम या पाखे जगह ना तेणुक इलेक्ट्रॉन आ दरकार हेले भी रखा जगह ना तेणुक ये इलेक्ट्रॉन आउ ग्रहण करने चाहब ना तेणुक यार इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पीटा टे कम रट सल्फर कौन अच्छी सल्फर पाखे टे सज अधिक अच्छी तो या दरकार भी या पाखे सैज अच्छी तो अवेलेबिलिटी अच्छी एरोस्पेस तो इलेक्ट्रॉन जैसे रही पार तेणुक यार इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी अधिक है दिस इज माइनस 200 तो जदि कंपेयर करें ऑक्सीजन सल्फर टू इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी सल्फर अधिक अच्छे कहीं ना इट इज हाईली तो देख सल्फर जेहेतु इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी अधिक अच्छे कहीं पाखे स्पेस अच्छी बट कौन हो देखा जिते बेले कि सल्फर टू आम पोलोनियम जीवा सल्फर टू पोलोनियम गले कौन हम देख तो एटॉमिक साइज ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी आसो तो आज तो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करिवार टेंडेंस रे यार कमी जीवो तो से अट्रैक्शन आउ न्यूक्लियसटा इलेक्ट्रॉन को टाणिक रखी पार ना तेणुक सल्फर टू पोलोनियम गले तो ग्रेजुअली कौन हम इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी लेस नेगेटिव तो देखियो जदि क्वेश्चन टे आसिबो व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर नेगेटिव और मोर नेगेटिव वैल्यू देन ऑक्सीजन तो सिंपल कह दो सिटी ड्यू टू द साइज ऑफ सल्फर इज लार्जर देन ऑक्सीजन और एमती कह पारिबा ऑक्सीजन रो साइज इज स्मॉलर देन सल्फर तो एमती कहि मधे हमें जस्टिफाई करि परिबा नेक्स्ट देखिबा डेंसिटी जेतु टॉप टू बॉटम गले एटम साइज बढ़ी डेंसिटी मधे ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी जाउछ 1.3 टू पोलोनियम जाय 9.4 जाय बढ़ी चलछि तो मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देखो ऑक्सीजन रो 55 देन ए 393 देन द ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी जाऊँगी बट लार्जर डिफरेंस कौट आसे ऑक्सीजन टू सल्फर भितर लार्जर डिफरेंस आसे बट सल्फर सेलेनियम भितर डिफरेंस अच्छे बट कम डिफरेंस देन सल्फर टेलेनियम भितर तो डिफरेंस माने भितर एते नाही तो ए डिफरेंस गुडा को तो सडन एते लार्जर डिफरेंस आसु नै बट जते बले के देखिबा
ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରୁ ସଲଫର ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ2 ଫର୍ମ ରହୁଛି ଗ୍ୟାସ ହେଇକି, ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୱିକ୍ ଭେଣ୍ଡରୱାଲ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ରହୁଛି, ୱିକ୍ ଭେଣ୍ଡରୱାଲ ଫୋର୍ସଟା କାମ କରୁଛି। ବଟ୍ ସଲଫରଟା, ସଲଫର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ, ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ, ତ ସଲଫରର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମିତି ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏହାର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାଇ ଅଛି। ଦେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କମ୍ ଅଛି ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ୟା ପାଖରେ ୱିକ୍ ଭେଣ୍ଡରୱାଲ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଆଟମିକ୍ ଡେନ୍ସିଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୱିକ୍ ଭେଣ୍ଡରୱାଲ ଫୋର୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଆଟମିକ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାଇ ରହୁଛି। ବଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏହାପରେ ୱିକ୍ ଭେଣ୍ଡରୱାଲ ଫୋର୍ସ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଏତେ ଏହାର ଆଟମିକ୍ ଡେନ୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ହାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏହାର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାବିପାରିବା, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ୱାଇ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲଫର। ତ ଦେଖ, ସଲଫର ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟର ଲାର୍ଜର ଡିଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ଆସିଲା, ଦେଖିବା ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ସଲଫର ପାଇଁ। ତ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା 55 କେଲ୍ଭିନ୍, ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା 90 କେଲ୍ଭିନ୍, ଦେନ୍ ସଲଫର ପାଇଁ କେତେ ଥିଲା 393, ଦେନ୍ 718, ଏତେ କେଲ୍ଭିନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ତ ଏ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ଆସିଲା, ତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଖରେ ୱିକ୍ ଭେଣ୍ଡରୱାଲ ଫୋର୍ସ ବା ମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସଟା କେଉଁଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଇଣ୍ଟର ମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସ ହେଉଛି ୱିକ୍ ଭେଣ୍ଡରୱାଲ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କାମ କରୁଛି। ବଟ୍ ସଲଫର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ସଲଫର ସଲଫର ଭିତରେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ତ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଭେଣ୍ଡରୱାଲ ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡଟା ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ତେଣୁ ଏହାର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ରେଟର ରହୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠାରୁ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଖ, ଏଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଡାଇ ଆଟମ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଓ2 ହେଇ ରହିବ, ଡାଇ ଆଟମ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ ମାନେ ଓ2 ମଲିକ୍ୟୁଲ, ଓ2 ସୋର୍ସ ୱିକ୍ ଭେଣ୍ଡରୱାଲ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ, ଦସ୍ ହେଜ୍ ଲୋ ମେଲ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟସ, ଏହେତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ୱିକ୍ ଭେଣ୍ଡରୱାଲ ଫୋର୍ସଟା କାମ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ ରହୁଛି ଏଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ସଲଫର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ପଲି ଆଟମ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଏସିଡ୍, ବା ଆମେ ତାର କ୍ରାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ପକ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିଲେ, ପକ୍କରଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିଲେ, ପକ୍କରଡ଼ ରିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ତାକୁ କ୍ରାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମେ, ୱିଥ୍ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡସ, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ବିଟୱିନ୍ ଦ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ, ଦସ୍ ଇଟ୍ ହେଜ୍ ହାଇ ମେଲ୍ଟିଂ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବାକୁ। ଯେମିତି ତାର ଆଟମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ ଟେବୁଲାର ଫର୍ମରେ ଦେଖିଲେ ଏବେ, ଗୋଟେ ଆମେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖିଦେଇ ଯିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟମିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ, ଆଟମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୟୋନିକ୍ ରେଡିଆଇ, ଦ ଆଟମିକ୍ ରେଡିଆଇ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 16 ଆର୍ ସ୍ମଲର ଦେନ୍ ଦୋଜ୍ ଅଫ୍ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 15। ତ ଗ୍ରୁପ୍ 15ଟା, ଗ୍ରୁପ୍ 15 କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଥିଲା ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ 15ଟା, ଗ୍ରୁପ୍ 15 ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ 16 ଦେଖୁଛ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ତମେ କ'ଣ ହେଉଛି ପି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ପି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟର, ତା ମାନେ ଇଏ ପିରିଓଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପିରିଓଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଆଟମିକ୍ ସାଇଜ୍ ତ ଜେନେରାଲି ଯଦି ଆମେ ଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ଟାରୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଛୋଟ ରହିବ, ତ ସ୍ମଲ୍ ଆଟମିକ୍ ସାଇଜ୍ ପ୍ରଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।
तो करस्पोंडिंग मैंने कौन जो दिया में 15 ना 16 कंपेयर करीबा तो जेतु 16 रो लेफ्ट 15 अच्छे तो यार टाइम ऐसा है डेफिनेटली बड़ा थी बो 16 रो डेफिनेटली कम आसी बो द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप माने टॉप टू बॉटम बोले दैट मींस ऑक्सीजन टू पोलोनियम गले कौन हम ग्राजुअली बढ़ी बढ़ी आसो कहीं बढ़ो कहीं ना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ुची सेल बढ़ुची तो दुईटा बढ़ी जाऊँगी तो डेफिनेटली आटमिक सैज बढ़ी इनक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल माने ये जो आम एनर्जी लेवल्स गुड़ा बढ़ी बढ़ी चलुच्छे तो तेणुक आटमिक सैज बढ़ी बढ़ी जा नेक्स्ट देखिबा आयनाइजेशन एन्थालपी एटा होची सेकंड एटॉमिक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एन्थालपी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज हाउएवर द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव लोअर आयनाइजेशन एन्थालपी वैल्यूज कंपेयर्ड टू दोज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स तो एटा गोटे मेन पॉइंट देखो However, the elements of this group have lower ionization enthalpy values compared to those of group 15 elements. यार और तो कि group 15 रो ionization enthalpy कौन है वो? Group 15 रो ionization enthalpy टा तो देखा group 15 रो ionization enthalpy ठीक है अधिक रो ची then group 16 तो group 16 रो कहीं के अधिक रो ची ग्रुप 15 जो देखा ग्रुप 15 है 16 रो एंड जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखे दबा तो यार हो छी NH2 NP3 या हो छी NH2 NP4 तो माने यार रो NP3 माने हो छी आप रे हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रह जाओ जाए बाहर माने यार ऑर्बिटल टा हाफ फील्ड ही रहूची तो पी पाखरे कौन होची तीनटा हाफ फील्ड ही रहूची तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन जे तो थिवारो यार स्टेबिलिटी अधिक रहूची बट या पा कौन होची खाली पी रंग टाणूची तो यार चारटा इलेक्ट्रॉन अछि ना ये कंप्लीटली फिल अछि ना कंप्लीटली हाफ अछि तो तेणु कर स्टेबिलिटी यार अधिक तो गोटे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रे इलेक्ट्रॉन बाहर करवाटा कष्ट जेहेतु कष्ट अधिक एनर्जी देवा पड़े आमको तेणुक ये कहुच ग्रुप 15 एलिमेंट्स गुटाक आयनस एंथल जी थी ताठार ग्रुप 16 एलिमेंट्स गुटाक आयनस एंथल भी कम आसो तो से ही लिखाई ये आउे पढ़ दो शुण However, the elements of this group have lower ionization enthalpy values compared to those of group 15 elements. This is due to the fact that group 15 elements have extra stable half-filled p orbitals electron configuration. So, p orbitals are half-filled electron configuration. Like, so, this is extra stable. Pi chanti. Then, kari. Same stability. Adhiko. So, ionization enthalpy is the same. ग्रुप 16 रो कम रहेबो देन 15 थारो ग्रुप 15 थारो कम रहेबो ये देखिया इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी तो देखो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट टू एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स कहें कि तो देखिबा तो एमान कर हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट टू एडिशनल इलेक्ट्रॉन कहें कि ना दुटा इलेक्ट्रॉन पाई गले एमान कर स्टेबिलिटी बा स्टेबल कॉन्फिगरेशन पाई जबे तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन पाई गरे पाईबा पई एमाने एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिया पई एमानकर टेंडेंसी हाई रहबो हेंस हैव लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी नेक्स्ट ओनली टू हैलोजेंस माने हैलोजेंस रो जति की कहना हैलोजेंस को गोटे दरकार इलेक्ट्रॉन हला हैलोजेंस रो गोटे इलेक्ट्रॉन पाइगले से माने
पूरा गोटे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाई जिबे बट जेहेतु आम ग्रुप 16 रो अछु ग्रुप 16 पे दुईटा इलेक्ट्रॉन दरकार तो दुईटा इलेक्ट्रॉन दरकार से मानको दुईटा इलेक्ट्रॉन पाइले से माने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाई जिबे से माने स्टेबल हे जिबे के तेन करी नेक्स्ट टू हैलोजन स्क्वायर आइ छी ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी देन सल्फर दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम तो तुम सिटी ही एक्सप्लेन कर दे थी टेबुलर फॉर्म रे ऑक्सीजन रो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी अछि सल्फर टाइप रो सल्फर केते थिला पाखा पाखी तो देखियो ऑक्सीजन रो जते बेले कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी टा केते थिला -141 थिला बेले सल्फर थिला 200 तो डिफरेंस काई आसला काई ना यार एटॉमिक साइज टा स्मॉल थिला एटॉमिक साइज टा स्मॉल थिला एटॉमिक साइज स्मॉल थिला यार एटॉमिक साइज टिके लार्ज अछि काई ना यार टिके सेल अधिक अछि तो यार एटॉमिक साइज लार्ज अछि तेन पर यार टिके अधिक रहबो ऑक्सीजन नेगेटिव लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी देन सल्फर दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द ऑक्सीजन एटम However, from sulfur to polonium, electron gain enthalpies become less negative. माने हम ये तरह की sulfur to polonium जीबा तो electron gain enthalpy टा भाई यार negative value डा कमी कमी जीबा तो माने कौन ले sulfur बोलो कहते थिला तो sulfur रो -200 थिला तो हम polonium पर पहुंच जीबा तो electron gain enthalpy रो ये value टा कमी कमी ऐसी की बा नेगेटिव वैल्यू कम के 174 को पहुंच जी ता माने नेगेटिव वैल्यू कम कम आसला तो देखिबा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू क्लोरीन ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग द एलिमेंट्स ता माने तो ऑक्सीजन होची हमर सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जदि हमें ग्रुप सिस्टम देखिबा ग्रुप सिस्टम रो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो छे ऑक्सीजन ग्रुप 16 रो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो छे हमरो ऑक्सीजन बडी जदी टोटल एलिमेंट देखिबा टोटल एलिमेंट मान को भीतर हो छे फ्लोरीन हो छे सबटो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आसीबो ऑक्सीजन रो पाड़े सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो छे ऑक्सीजन यदि खाली ग्रुप 16 देखियो बोले ये मोस्ट नेगेटिव हे जीव ऑक्सीजन electronegativity within the group decreases with an increase in the atomic number atomic number बढ़ी बढ़ी वाले कौन हो ये मानो ग्रो electronegativity कमी कम आसीबो तो ऑक्सीजन जो जहाँ पोलोनियम जो है ऑक्सीजन electronegativity भेलू कहते हैं ऑक्सीजन electronegativity भेलू हो ची 3.5 इतने वाले पोलोनियम को पहुंचे बा यार electronegativity भेलू 1.76 से पहुंचे होता है माने ग्रेजुअल डिक्रीज करी करी आसुचे टॉप टू बॉटम वाले देन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक अछि माने नॉन मेटालिक कैरेक्टर अधिक अछि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम अछि माने मेटालिक कैरेक्टर अधिक अछि जेतु इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन टू पोलोनियम कोन होछि ग्रेजुअली कमी कमी आसी ऑक्सीजन केते दिला 3.5 पोलोनियम केते आसला 1.74 तो 1. के एति आसला तो कोन आसला हमरो ए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.76 सॉरी 1.76 हला 1.76 जे आसला ता माने इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक थिले नॉर्मेटिक कैरेक्टर अधिक आसीबो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थिले मेटालिक कैरेक्टर अधिक आसीबो तो तेन कर कह हेती मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम तो देखियो आमे किछि फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक प्रॉपर्टी गुडा सोडा थिला ए देखियो फिजिकल प्रॉपर्टी तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर गुडा ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव हाई आयनाइजेशन एन्थैल्पी ड्यू टू व्हिच दे आर लेस मेटालिक इन नेचर
As we move down the group, ionization enthalpy decreases and hence metallic character increases. तो कौन हो जी ग्रुप सिस्टम एलिमेंट गुड़ा देखा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जदि आम देखा आम मेटालिक नन मेटालिक कैरेक्टर को बहुत गुड़े रिजन देखिए आम एक्सप्लेन कर तो से भितर यहाँ आयनाइजेशन एन्थैल्पी नहीं कि आपको एक्सप्लेन कराई तो ग्रुप सिस्टम एलिमेंट्स हैव हाई आयनाइजेशन एन्थैल्पी बाय एनर्जी ड्यू टू विच दे लेस मेटालिक इन नेचर एज मूव डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एन्थैल्पी डिक्रीजेस एंड हेन्स द मेटालिक कैरेक्टर इनक्रीज तो एमती मत कह देख तो कौन कह मेटालिक कैरेक्टर इनक्रीज आम से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एक्सप्लेन करवा तो ऑक्सीजन टू पोलोनियम गले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमी कमी आस 3.5 थी बेलू ये 1.76 अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमुची ताने यार मेटालिक कैरेक्टर बढ़ी बढ़ी आससी नन मेटालिक कैरेक्टर कमी कमी आस एम कहीपर खाली आयनाइजेशन एन्थैल्पी बुझेल हम ना जो थी मतलब बुझे पार सो मेटालिक कैरेक्टर इनक्रीजेस डाउन द ग्रुप जो नन मेटालिक कैरेक्टर जो देखा आम नन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप नन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हम आउ कौन हम जो मेटालिक कैरेक्टर इनक्रीज हम डाउन द ग्रुप दस ऑक्सीजन इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट सल्फर इज आल्सो टिपिकल नॉन मेटल एंड इज एन इंसुलेटर सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटालोइड्स एंड हेन्स आर सेमीकंडक्टर तो एम जेहेतु मेटल आउ नॉन मेटल कैरेक्टर अच्छे एम मेटालोइड्स भाग यूज हे आम सेमीकंडक्टर हिसाब यूज कराए पोलोनियम इज मेटालिक इन नेचर बट रेडियो आक्टिव विथ ए सर्ट हाफ लाइफ 13.8 डेज तो पोलोनियम रेडियो आक्टिव मेटालटा तो जेहतु डाउन द ग्रुप अच्छे यार मेटालिक कैरेक्टर अधिक अच्छे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आम ऑक्सीजन और सल्फर रही लार्ज डिफरेंस कहीं आसते आम देखिले कहीं ऑक्सीजन पाखे विक मिनरल फोर्स था सल्फर पाखे थी कोवेलेंट बॉन्ड तेणुकरी ये डिफरेन्स आसला तो देख ए मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज इनक्रीजेस रेगुलरली एज वी मूव डाउन द ग्रुप अप टू टेलुरियम माने ऑक्सीजन टू टेलुरियम जब मूव करवा तो कौन कौन बढ़ुच्च मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आउ तार डेंसीटी बढ़ुच्च हाउएवर द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलोनियम आर लोअर देन दोज ऑफ टेलुरियम तो दिस इज ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट इज मैक्सिमम इन पोलोनियम तो पोलोनियम कौन हो देखो तो पोलोनियम देख कौन होते कि आम कौन करवा ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखा तो टेलुरियम पोलोनियम भाई कंपेयर करवा है तो टेलुरियम एंड पोलोनियम भाई कंपेयर करवा एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट तो देख तो टेलुरियम रो 7 to 5 तो केल्विन पोलोनियम हो 5 to 0 तापर देखिबा जदि बॉइलिंग पॉइंट 1 to 60 केल्विन एंड 1 to 35 केल्विन तो एतिके रहौछि ता माने टेलुरियम थारो पोलोरियम तो एमानकर कोन होछि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पोलोनियम रो कम अच्छे देख तो ये 1260 ये 1235 अच्छे यदि मेल्टिंग पॉइंट देखा 725 टू ये 520 अच्छे पोलोनियम कम आसी पोलोनियम रो कम आसवर कारण हूँ ड्यू टू इट्स इनेट पेयर इफेक्ट इज मैक्सिमम इन पोलोनियम इनेट पेयर इफेक्ट कौन आसला इनर्ट पेयर इफेक्ट कहीं आसला देख कहीं टेलुरियम तो डी ऑर्बिटल आउ जदि आम एफ ऑर्बिटल देखा तो प्रायत टेलुरियम कौन हो एफ ऑर्बिटल टा आसुना बट पोलोनियम तो एफ ऑर्बिटल चली आसे है मुझे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम देख देख
ଦେଖିବା ଯଦି ଟେଲୁରିୟମରେ କ'ଣ ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ନା, ଟେଲୁରିୟମର 52 ଥିଲା, 52 ଟେଲୁରିୟମର 52 ଆଟମ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏହାର କ'ଣ ହେବ କେ କ୍ରିପ୍ଟନ 4d10 4d10 5s2 5p4। ତ ଏଇଟା କରାଯାଏ ଆମର ଟେଲୁରିୟମର। ଯଦି ଆମେ ପୋଲୋନିୟମଟା ଆଣିବା, ପୋଲୋନିୟମ ହେଉଛି 84 84, ତ ୟାର ହେଉଛି ଜେନନ ଦେନ 4a15 ଦେନ 5d10 5d10 6s2 6p4। ତାମାନେ ଦେଖ ଟେଲୁରିୟମରେ ଏଫ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ପୋଲୋନିୟମ ଏଫ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଚାଲି ଆସିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଏସ୍ ପି ଡି ଏଫ୍, ତ ଡି ଆଉ ଏଫ୍ର ସିଲ୍ଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ପୁଅର, ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଭଲସେ ସିଲ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ସିଲ୍ଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ପୁଅର, ତ ଏମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ପୁଅର ସିଲ୍ଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗି, ତ କ'ଣ ହେବ ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଇନଟ୍ ପେୟାର ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବେ। ତ ଦେଖ ତ ଯେତିକି ୟା ପାଖରେ ଟେଲୁରିୟମ ପାଖରେ ଇନଟ୍ ପେୟାର ଇଫେକ୍ଟଟା କମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ପୋଲୋନିୟମ ପାଖରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇନଟ୍ ପେୟାର ଇଫେକ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଏଇ ଏଫ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଲାଗି କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ 6s2 ଏଇ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଏମାନେ ବଣ୍ଡିଂରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ ବା ଏମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବେ ନାହିଁ ଆଉ, କାହିଁକି ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟାଣି ରଖିଦେବ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ୟୁଜ୍ ହେବନି, କେବଳ 6p ଏଇ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେହି କାରଣ ଲାଗି ଏ ଇନଟ୍ ପେୟାର ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗେ, ଏ ଯେଉଁ ଏଫ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଏଫ୍ ଡି ଅର୍ବିଟାଲର ପୁଅର ସିଲ୍ଡିଂ ଲାଗେ, ଇନଟ୍ ପେୟାର ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ, ଯାହା ଲାଗି କି ଆମର କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୋଲୋନିୟମର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଟେଲୋରିୟମ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଜନ। ତ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ପାଇଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଇନର୍ ପେୟାର ଇଫେକ୍ଟ ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇନ୍ ପୋଲୋନିୟମ। ହ୍ୱାଏ ଇନର୍ ପେୟାର ଇଫେକ୍ଟ ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପୁଅର ସିଲ୍ଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ 4f ଅର୍ବିଟାଲ୍ସ। ଡିକୁ ମଧ୍ୟ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଏଫ୍ ଆସିଲେ ସିଲ୍ଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ପୁର ହେଇଯିବ। ମନେ ରହିଲା ଏତିକି, ତ ଦେଖିବା ଏବେ ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ, କାହାର ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ, ଗ୍ରୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକର। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଡାଇଆଟମିକ ଗ୍ୟାସ, ମାନେ ଓ2 ଗ୍ୟାସ ହି ରହୁଛି, ଓ2 ମଲିକ୍ୟୁଲ ହେଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଅଦର ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଲାଇକ୍ ସଲଫର ସେଲୁରିୟମ ସେଲେନିୟମ ଟେଲୁରିୟମ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଅକ୍ଟା ଆଟମିକ ସଲିଡ। ତ ଏମାନେ ଅକ୍ଟା ଆଟମିକ ସଲିଡ ହେଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅକ୍ଟା ଆଟମିକ ମାନେ କ'ଣ, S8, SE8 ଦେନ TE8 ଏଇ ଫର୍ମରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଡାଇ ଆଟମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ସ ସ୍ମଲ୍ ଆଟମିକ ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ ଫର୍ମ P-P ମଲ୍ଟିପଲ ବଣ୍ଡ। ଏଜ୍ ୱି ମୁଭ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ ଫର୍ମ P-P ବଣ୍ଡ ଡିକ୍ରିଜେସ୍, କାହିଁକିନା P-P ବଣ୍ଡ ଏମାନେ ବନେଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ P-D ବଣ୍ଡ ବନେଇବେ ଡାଉନ୍ ଗଲେ କେବଳ। ତ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜଣକେ P-P ବଣ୍ଡ ବନେଇବ, ବାକି ସବୁଗୁଡ଼ା P-D ବଣ୍ଡ ବନେଇବେ, ହେଲା P-D ବଣ୍ଡ ବନେଇବେ ସେମାନେ। ବଟ୍ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ P-D ମଲ୍ଟିପଲ୍ ବଣ୍ଡ ବନେଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆସିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେବେ ବି ବନେଇବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ ନାହିଁ। ତ P-D ବଣ୍ଡ ସେ ବନେଇବ ନାହିଁ, କେବଳ କ'ଣ ବନେଇବ P-P ମଲ୍ଟିପଲ୍ ବଣ୍ଡ ସେ ବନେଇବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ2 ମଲିକ୍ୟୁଲ ମାନେ କ'ଣ, ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭିତରେ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେ ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଇ ବଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇ ବଣ୍ଡ,
ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड को प्रभाव पाई तो यार पी ऑर्बिटल रु गोटे इलेक्ट्रोन आसती बो ला तार पी ऑर्बिटल गोटे इलेक्ट्रोन आसती बो ताईटा होची पी पाई बॉन्ड ला ए जे पाईटा को प्रकार पाई पी पाई मन रखती बड़ा एज वी मूव डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड डिक्रीजेस। देखो द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड हेंस डू नॉट एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। से माने जेहेतु पी पाई बॉन्ड बनो नाथि तेनकर से माने डाई एटॉमिक फॉर्म रे एग्जिस्ट करिवे नाही। दे एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स केम जे हम देखतिले तो S8 देन T8 ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करिवे एंड हैविंग पकर्ड एट मेंबर्ड क्राउन शेप रिंग बा पकर्ड शेप बा पकर रिंग बिल कहि परिबा और क्राउन शेप रिंग मध्ये कहि परिबा। एटा O2 रो डायएटॉमिक फॉर्मटा गोटे सिग्मा बॉन्ड आ गोटे होची पी बाय बॉन्ड। एटा होची हमर सल्फर। सल्फर रो होची पकर्ड एट मेंबर्ड रिंग और क्राउन स्ट्रक्चर ऑफ एसिड बा सल्फर मॉलिक्यूल्स एटा होची रिंग स्ट्रक्चर। देखला ना क्राउन शेप केते सुंदर क्राउन शेप जे हिजी ए शेपटा प्रायत सॉलिड स्ट्रक्चर लागि रेस्पोंसिबल यार जो क्राउन स्ट्रक्चरटा बुझा बोला। ए जो बॉन्ड गुडा होची ए बॉन्ड गुडा होची कोवलेंट बॉन्ड गुडा देखे ए बॉन्ड एंगल मन रखिथिबो काहेकि ना जदि कोनोसी इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर आसीला तार आम बॉन्ड एंगल मन रखिबा तो ए 107 टा मे बी आउ बॉन्ड लेंथ गुडा मन रखिथियो प्राय तो सबुठि पहुँचे सेम प्राय कौन रोचे आमर कोवलेंट बॉन्डटा बॉन्ड स्ट्रेंथ बा बॉन्ड लेंथ इज 212 पिकोमीटर एंड बॉन्ड लेंथ इज 107 माने 107 डिग्री एटा मन रखिथिबो मे बी बिट्स रे आसी पारे। केटेनेशन। केटेनेशन तो माने तो मैंने जो चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी बट चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर एसएस बॉन्ड्स एज कंपेयर टू ओओ बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड सल्फर हैज ए स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू केटेनेशन देन ऑक्सीजन। तो सल्फर पाखरे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी अछि कोन में ये जो कैटेनेशन पाए ड्यू टू स्मॉल साइज द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम्स रिपेल द बॉन्ड पेयर्स टू ए लार्जर एक्सटेंट देन द लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सल्फर इन एसएस बॉन्ड। तो कौन हो जी ये जो यार स्मॉल स्ट्रक्चर स्मॉल साइज हो यार यार ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन देखिबा तो लोन पेयर लोन पेयर दुटा लगे रहिबो ए जे लोन पेयर गुडा रहला ए जे लोन पेयर अछि लोन पेयर दुटा लगे जुड़न बाहर अछि से देखिबा ए लोन पेयर गुडा को अछि ए लोन पेयर गुडा कोन करे बॉन्ड पेयर को कोन करिवो रिपेल करिवो हला तो लोन पेयर रे रिपल्सन पावर अधिक थिवो तो बॉन्ड पेयर के रिपेल कर कोन करिवो इटिके लंबा हे जिवो जेतु लंबा हेगले कोन हबो ता माने एटा वीक हे जिवो वीक हेले कोन हबो ए केटेनेशन करियार पावर आपा कमे जिवो बट कोन होची तो इट्स अ प्रॉब्लम कोन बे होजे ऑक्सीजन रो स्मॉल एटॉमिक साइज सेटा गोड रीजन तो बट जेतु सल्फर पाको आसीबा ए सल्फर सल्फर पाकिले कोन आसीबो तेर स्ट्रक्चर बड तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन टा कम रहोची देन ऑक्सीजन तो बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन टा अधिक रहूची कोड जे ऑक्सीजन पाखरे बट सल्फर पाखरे कम रहूची काहे ना यार एटॉमिक साइज अधिक अछि। सो ऑक्सीजन हैज वेरी लेस टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन बट सल्फर हैज मोर टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन। तो चेन्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन देखिबा तो जेते बेले ऑक्सीजन रो गोटे चेन थिला वाले सेटा भी चारटा एलिमेंट रो बट यार देखिबा सल्फर रो बहुत गुडे
चेन आपसे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड एच टू एस टू, यहाँ हूँ एच टू एस टू रोटे चेनटा। हाइड्रोजन ट्राइसल्फाइड, दुईटा हाइड्रोजन तीन टा सल्फाइड अच्छे सल्फर अच्छे। तो हाइड्रोजन टेट्रासल्फाइड, चार्टा सल्फर दुईटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पेरक्साइड गला देख केवल देख एच टू ओ टू, दुईटा हाइड्रोजन दुईटा अक्सीजन, ये गोटे आम चेन पाइपर। तो यार भेरी भेरी लेस टेंडेंसी फॉर कार्डनेसन, सल्फर टी अधिक अच्छे। देखा येलो ट्रॉपिक फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शोस येलो ट्रॉपी। एग्जांपल ऑक्सीजन एक्जिस्ट इन टू नॉन मेटालिक फॉर्म्स, तो ऑक्सीजन कौन करुच्छे दुईटा नॉन मेटालिक फॉर्म्स रे एक्जिस्ट करुच्छे। भि आई जेड माने एटा नेम लेवल पड़ो विच आर बोली विच आर विच इज बोली पड़ो ये नेमली डाइऑक्सीजन माने ओ टू एंड ओजन, ओजनटा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिल फॉर्मटा एंड बाको ओजन बा आगो ट्राइऑक्सीजन बोली मध्ये कहि पारिबो। सल्फर हैव सेवरल इलेक्ट्रोफिल फॉर्म्स, देखिबा सेलेनियम हैज एट इलेक्ट्रोफिल फॉर्म्स, एमंग दिस ग्रे सेलेनियम इज द मोस्ट स्टेबल। तो बहुत गुड इलेक्ट्रोफिल फॉर्म अछि बट सेमानक हेतर सब स्टेबल होछि ग्रे सेलेनियम विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ गोटे क्वेश्चन मे भी आसपे तो पचार मे भी एम क्वेश्चन आसपार सेलेनियम के इलेक्ट्रोफिल फॉर्म अच्छे आंसर हम एट। तो कौटा बहुत स्टेबल मैं कह ग्रे सेलेनियम बहुत स्टेबल, ग्रे सेलेनियम इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोफिल फॉर्म ऑफ सेलेनियम। तो एमंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एमती आसपे एमंग द एट इलेक्ट्रोफिल फॉर्म्स ऑफ सेलेनियम विच वन इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर हम ग्रे सेलेनियम। टेलुरियम हैज ओनली वन क्रिस्टलाइन फॉर्म विच इज सिल्वरी व्हाइट एंड सेमी मेटालिक। पोलोनियम एक्जिस्ट इन टू मेटालिक फॉर्म्स दैट इज अल्फा फॉर्म दैट इज क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड बीटा फॉर्म दैट इज रोम्बिक हेड्रा सॉरी रोम्बोहेड्राल। तुम सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़ क्यूबिक मोनोक्लिनिक रोम्बिक रोम्बोहेड्राल तो यू तार क्रिस्टलाइन जेहेतु क्रिस्टलाइन फॉर्म रोच तो तेणुक यार क्यूबिक आउ रोम्बिक रोम्बोहेड्राल रहा ये दुईटा सॉलिड स्ट्रक्चर। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी एगुड़ा जहाँ देखे आम तार आटोमिक आउ फिजिकल प्रॉपर्टी गुड़ा देखले। तो देखे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी माने आम फोकस करिबा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट देखिबा ऑक्सीजन स्टेट, तो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट से प्रोजेस कर देखिए नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट कौन बाहर अच्छे। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई आम पढ़ते, तो ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑफ द एलिमेंट। तो तेणुक यार इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई अच्छे दैट इज 3.5 पाखापाखि अच्छे यार। सो इट शोस शोस माइनस टू ऑक्सीजन स्टेट इन मेटालिक ऑक्साइड। तो आम देखा ये तो बहुत गुड़े नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट देखा, तो माइनस टू कौट देखा इन मेटाल ऑक्साइड, जितकी मेटाल ऑक्साइड अच्छी तो से ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट देखेबो। तो माइनस वन कौट कौट देखेबो माइनस वन देखेबो पेरोक्साइड, पेरोक्साइड स्ट्रक्चरटा देख ए प्रकार स्ट्रक्चर भी सी पेरोक्साइडा प्रोड्यूस करुचे। तुम जानी ये हाइड्रोजन रो प्लस वन ये ऑक्सीजन रो माइनस वन माइनस वन वो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो कनेक्ट हो कनेक्ट हो कौन हम एम ऑक्सीजन स्टेट माइनस वन पल आस मन रख पेरोक्साइड ऑक्सीडेस सॉरी ऑक्सीजन रो ऑक्सीडेशन स्टेट हो माइनस वन। जो देखिबा माइनस हाफ कोड़े आसो माइनस हाफ आसो सुपर ऑक्साइड रे पोटासियम डाइऑक्सीजन, तो पोटासियम डाइऑक्सीजन रो होची ऑक्सीजन रो होची माइनस हाफ। तुम देखो जनरल किन भाग करिवो
ତ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ପଟାସିୟମର, ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କେତେ ହେବାର ଅଛି, ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ହେଲେ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେବ, ତ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଦୁଇଟା ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ହାଫ୍, ତା ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ରହୁଛି କେ ଓ ଟୁରେ, ତାହେଲେ ପଟାସିୟମ୍ ଡାଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ପାଇବା। ଜିରୋ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପାଇବା, ଆରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜିରୋ ହେଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା, ଓ ଟୁ ଆଉ ଓ ଥ୍ରୀ, ଏଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଜିରୋ ରହିବ, କେବଳ ଏତିକି ସବୁ ନେଗେଟିଭ, ବଟ୍ ଖାଲି କେବଳ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି କ'ଣ ଯେ ଓ ଟୁ ଏଫ୍ ଟୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମନୋଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡାଇଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଏଇଠି ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିବ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଜିଟିଭ ବାକି ସବୁ ନେଗେଟିଭ। ସିନ୍ସ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଏଜ୍ ୟୁ ମୁଭ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍, ଦ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସୋ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ସଲ୍ଫର୍ ଟୁ ପୋଲୋନିୟମ୍, ପୋଲୋନିୟମ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଇଟ୍ ସୋସ୍ ଓନ୍ଲି ପଜିଟିଭ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଦେଖ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ହାଇ ଅଛି ସେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଧିକ ରହିବ, ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି କମିଗଲା ତ ନେଗେଟିଭ ବା ନେଗେଟିଭ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଖେଇବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କମିଯିବ, ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ ଅଧିକ ଥିଲେ କା ନେଗେଟିଭ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖେଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହିବ। ଇଟ୍ ସୋର୍ସ ଓନ୍ଲି ପଜିଟିଭ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଲୋନିୟମ୍, ଏ ନେଗେଟିଭ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ ବହୁତ କମ୍। ଏ ଦେଖିବା ପଜିଟିଭ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ପଜିଟିଭ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଓ ଟୁ ଏଫ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଓ ଏଫ୍ ଟୁ, ଏଇଠି କେତେ ଥିଲା ଯେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା, ଏଇଠି କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଠି ବି ତୁମେ ପାଇବ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଆସିବ। ଦ ଅଦର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସୋର୍ସ ପଜିଟିଭ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟୁ ଭେକେଣ୍ଟ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ୍। ବଟ୍ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତା'ପରେ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ତେଣୁକରି, ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଅଛି ଏମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇପାରିବେ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟୁ ଭେକେଣ୍ଟ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ୍, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ ମୋର୍ କମନ୍, ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ସେଲୁରିୟମ୍, ଟେଲୁରିୟମ୍, ପୋଲୋନିୟମ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କମନ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ କମନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଟୁ, ତ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଏ ରହିବ, ସୁପର୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ପେରକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ ମେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ବଟ୍ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ତ କମନ୍ଲି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଏ ଦେଖିବା ସଲ୍ଫର୍, ସେଲେନିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିନିୟମ୍ ୟୁଜୁଆଲି ସୋ ପ୍ଲସ୍ ଫର୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଦେୟର୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍, ତ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ କାହା କାହା ଦେଖାଉଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଦେଖେଇବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍ର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଏମାନେ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖେଇବେ। ଦ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଜ୍ ୟୁ ମୁଭ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନର୍ ପେୟାର୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଇନର୍ ପେୟାର୍ ଇଫେକ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା, ଦେଖ ଇନର୍ ପେୟାର୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ, ଇନର୍ ପେୟାର୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଫୋର୍ ଏଫ୍ ସର୍ଭିସେଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟୁ ପୋଲୋନିୟମ୍ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ତ ଅପ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଟେଲୁରିୟମ୍ ଯାଏ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟେଲୁରିୟମ୍ ଯାଏ ଏଇ ଯାଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଫ୍ ଆସୁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ସବ୍ସେଲ୍ ପଳେଇ ଆସେ, ତ ଏଫ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି ଇନର୍ ପେୟାର୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ,
ଯେହେତୁ ଇନର୍ଟ ପେରିଫେରି ଆସିବ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ ଅଛି ଏମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଛାଡ଼ିବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ +6 +6 +4 ଅକ୍ସିଜେନ ବହୁତ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏହାର କ'ଣ ହେଉଛି 4F ସବସେ ଲାଇ କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ପୁର୍ ସେଲିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗି ଇନର୍ଟ ପେରି ଇଫେକ୍ଟଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଲାଗି କ'ଣ ହେବ ନା, ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦୁଇଟା ଥିଲା 6S2, ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଇଏ ଆଉ ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ବା ଇନାକ୍ଟିଭ ରହିଯିବ, ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏମାନେ ଆଉ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ବା ଆକ୍ଟିଭ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଇନର୍ଟ ପେରି ଇଫେକ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ପେର୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ଇନର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ରିଆକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ବା ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଇନର୍ଟ ପେରି ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗି କ'ଣ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ 6S2 ଦେନ୍ 6P4, ହେଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି, 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବନି ଆଉ, କେବଳ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କ'ଣ କରିବ, ୟୁଜ୍ କରିବ। ତେଣୁକରି ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ତ ଆଉ +6 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବନି, କେବଳ +4। ତେଣୁକରି କୁହାହେଇଛି କ'ଣ ଯେ, ଦ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଫ୍ +6 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍। ତ +4 ଏମାନେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ +4 ଦେଖେଇବେ, +4 ଷ୍ଟେବିଲିଟିରେ +4 ଦେଖିବାର ଷ୍ଟେବିଲିଟି କମି କମି ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଏ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ ସେମିତି। ବଟ୍ ଦେଖିବା ଯଦି +6 ଦେଖିବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସିବ, ହେଲା, ତ କାହିଁକିନା ପୋଲୋନିୟମଟା +4 ଦେଖେଇବ, ହେଲା, +6 ଦେଖିବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କମି କମି ଆସିବ, +4 ଦେଖିବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସିବ, ସେତିକି ହିଁ ଏଠି କୁହାହେଇଛି। ତ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଶୁଣ, ଦେଖ ସଲଫର ସେଲେନିୟମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲୁରିୟମ ୟୁଜୁଆଲି ସୋ +4 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଦେର୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ +6 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ଲୋରିନ୍। ଦ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଫ୍ +6 ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍, ହେଲା, କାହିଁକିନା ଇନର୍ଟ ପେରି ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗି। ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଫ୍ +4 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍, ଯେତେବେଳେ +6ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଷ୍ଟେବିଲିଟି କ'ଣ ହେଉଛି ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ କମି କମି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି +4 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଷ୍ଟେବିଲିଟିଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ପୋଲୋନିୟମ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ +4 ପାଇପାରିବ, ବଟ୍ ପୋଲୋନିୟମରେ ତୁମେ +6 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି +6ଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇ ଆସିବ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍, ଆଉ +4 ହେଲେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି +6 ଦେଖିବ, ଏହା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କ'ଣ ହେବ, ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇ ଆସିବ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନର୍ ପେରି ଇଫେକ୍ଟ।